प्रधानमंत्री जी की हिम्मत कि आपके सामने आके कहें कि 5 सालों में उनको जानकारी ही नहीं है कि यहाँ पे छुट्टे जानवर की समस्या है। अरे कौन सी धुन में रह रहे हैं, कौन सी दुनिया में मस्त है। अरे उत्तर प्रदेश में आप 1 किलोमीटर चल जाइए, चलिए गाड़ी से मत आइए, हेलीकॉप्टर से उड़ के ऊपर से देख लीजिए। आज मैंने देखा हर जगह छुट्टे जानवर है और आपको दिख नहीं रहा है। इनकी हिम्मत कैसे हुई, मुख्यमंत्री जी की हिम्मत कैसे हुई कि 12 लाख सरकारी पद खाली रखे इन्होंने। हिम्मत कैसे हुई कि आपको 70 लाख रोजगार की घोषणा और वचन देके 4 लाख रोजगार नहीं बनाए। कैसे हिम्मत हुई, आपने हिम्मत दी। नाराज हूं मैं आपसे, शिकायत है मेरी आपसे, आपने हिम्मत दी, क्योंकि आप इस धर्म और जाति के जाल में फंसे हुए हो और इस जाल में जब तक फंसे रहोगे तब तक इसी तरह से ये प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, इनके तमाम मंत्री आकर आपके सामने कहेंगे, धर्म की बात करेंगे, जाति की बात करेंगे, आपकी विकास की बात कभी नहीं करेंगे। विकास होगा इनका, सत्ता में रहेंगे ये फूलेंगे फलेंगे, इनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्र, विकास आपका नहीं होगा। तो आज मैं यहां खड़ी होकर आपको बताने आई हूं, आंखें खोलिए, नींद से जागिए, जागरूक हो जाइए। आप नौजवान हो, इस देश का भविष्य हो, आप समझदार हो। माता पिता ने आपको बहुत मेहनत से पढ़ाया है, मैं जानती हूँ। जब मैं गरीब से गरीब घर में जाती हूँ, मुझे बताया जाता है कि दीदी हमने बहुत मेहनत से इनको शिक्षित किया। मैं गरीब से गरीब मोहल्ले में जाती हूँ, लखनऊ के मोहल्ले में मैं गई, वाल्मीकि मोहल्ले में, सफाई कर्मचारियों ने मुझे बताया कि दीदी जो भी है बहुत मेहनत की, लेकिन इनको पढ़ाया है हमने। ITI पढ़े थे, MA की थी, BSc की थी।